ये देखो इधर से साफ, कितना साफ पानी है यार, वो बस धुंधला हो रखा है ये। इधर दोनों का कलर आप अलग देख सकते हो, ना कोई एडिटिंग ना कुछ, बिल्कुल साफ पानी है। ये जो आंटी यहाँ पे है मैगी बना रही है, ये कह रहे कि इनका जो घर है ना इधर है, इस रास्ते से आते हैं और ऐसे पानी क्रॉस करके और इधर आते हैं यहाँ दुकान पे, और इनका जो मेन घर का रास्ता है वो 20-22 किलोमीटर घूम के अगर ऐसे आते हैं तब यहाँ आएंगे, तो इसलिए शॉर्टकट ये यहाँ से आते हैं। आंटी अंदर जा रही है देखो, और वो शायद उसको पकड़ के ला रहे हैं, वो आंटी आ नहीं रही है, उसी में बैठी है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग, आप सारे अच्छे होंगे, सब मजे कर रहे हैं। हम आए थे रात को 11 बजे और यहाँ होटल लिया ऋषिकेश के अंदर। 2 बजे के आसपास क्या उनको बहुत तेज खांसी होने लगी, ये हो गया बीमार, पूरी तरह से खांस रहा था, बहुत ज़्यादा खांस रहा था, तो दवाई जो हम ला रखी थी उससे भी ठीक नहीं हो रहा। फिर मैं गया यहाँ पास में, देखा मेडिकल स्टोर नहीं, तो फिर किसी ने बताया कि मैं पास में ना ऋषिकेश के अंदर ही आगे जाके शहर के बीच में है एम्स, तो वहाँ से दवाई लानी पड़ेगी। एक ढाबा था, ढाबे पर मैंने ना एक लहसुन बुनवाया और वो बुनवा के ले आया, देसी जुगाड़ करा और क्या उनको दे दिया। अभी फिट है एकदम, क्या अभी फिट है, अभी ठीक है क्या। तो क्या उनको रेडी कर रहा हूँ, इसके बाल सुखा रहा हूँ ड्रायर से। तो भी अभी यहाँ से चलेंगे हम घूमने, और लक्ष्मण झूला जो है उसके लिए बता रहे कि वो बंद है, तो वहां जाने का कोई फायदा लग नहीं रहा मुझे, तो यहाँ से देखते हैं अब कहीं और देखेंगे, तो चलते हैं भैया। तो भाई ये राफ्टिंग के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं, ये होटल वाले भी मेरे कह रहे थे कि भाई आप राफ्टिंग कर लो, मैं यार बच्चे, बच्चों के साथ में तो राफ्टिंग ठीक नहीं है, लग लगा जाएगी उनको भी चोट, तो क्या वैसे बीमार है और छोटे बच्चे तो करेंगे नहीं, तो मैं ही देखूँगा कि करनी है या नहीं करनी है। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लेने, गाड़ी पार्किंग में, होटल की पार्किंग में लगी हुई है और वहाँ से लेके आनी है अभी वो, तो चलते हैं अभी। होटल की पार्किंग है वो है नीचे बेसमेंट में, तो पीछे से जाना होता है, वहाँ से उठा के लाऊंगा गाड़ी को फिर चलेंगे। तो भाई यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, निकालते हैं फिर चलते हैं। तो भाई गाड़ी निकाल ली है पार्किंग में से, अभी चलते हैं ऊपर, बच्चों को बैठा दें फिर चलेंगे। गरुड़ चट्टी देखने जाएंगे सबसे पहले, जहाँ पहले भी गए क्या, जब 2 साल का था जब मेरे साथ वहाँ आया था, ऑल्टो गाड़ी लेके आए थे, तो आज भाई अपनी बलेनो लेके आए हैं, तब इनको बैठा के सबसे पहले वहाँ लेके जाऊँगा। तो भाई क्या को मिल गई, गाय इसे प्यार कर रहा है, भगा रहा है इसे, क्या नहीं भागेगी, मार भी देगी, पता क्या छोटी नहीं है, इतनी हाइट होती है इनकी, चली जाएगी अपने आप चली जाएगी। चलो अब गाड़ी में बैठो आप। भाई गरुड़ चट्टी वाटरफॉल जो है वो यहाँ पे गरुड़ और विष्णु जी का मंदिर भी बनाया हुआ है, और आगे बस यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। ये पर्ची काट रहे किसी चीज की, हाँ जी भाई जी, चालीस पार्किंग है किस चीज के, व्यवस्था जिला पंचायत, अच्छा जिला पंचायत के ले रहे भाई 40 रुपए। तो भी नीचे हम यहाँ से जाएंगे, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है एकदम, धीरे धीरे गाड़ी उतार रहा हूँ यहाँ से ना। तो भाई ये लोग अभी जा रहे हैं यहाँ राफ्टिंग करने के लिए, इधर भी काफी लोग तैयार हो रहे हैं, ये जा रहे हैं अपने हथियार लेके, और ये यहाँ से जाएंगे 9-10 किलोमीटर वहाँ ऋषिकेश, वहां से फिर वापस लेके आएंगे। मैंने अभी बात करी तो कह रहा कि भाई मैं वापस यहाँ छोड़ देंगे, लेकिन 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटा ये मेरा वेट करेंगे तो अच्छा नहीं है। कभी आऊँगा अकेला या फिर कोई 2-3 दोस्त आएंगे तो तब मज़े करेंगे यहाँ पे आके, अभी बच्चों को लेके आए हैं, अभी मैं तो राफ्टिंग करूँगा नहीं, और ना ही क्या करेगा, ये भी छोटा है, और बस ऐसे ही यहाँ थोड़ा घुमा दूंगा इनको, यहाँ घूम लेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है ये, है गरुड़ चट्टी नाम से, ये गरुड़ चट्टी वाटरफॉल उसके पास में, यहाँ मैगी वगैरह आराम से खाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे। अभी शुरू कर दिए इन्होंने, अब धीरे धीरे ये आगे जाएंगे, ये यहाँ से जाएंगे सीधे ऋषिकेश, और ऋषिकेश जाएंगे वहाँ से फिर गाड़ी लेके आएगी वापस इनको यहाँ। ये सारे तैयार हो गए, क्या ना आपको करनी है, इसका बहुत ज़्यादा मन है बेटा, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना तब करना, ठीक है अभी नहीं। वो देखो अभी वो गए बीच में, हम तो देख ही सकते हैं बस, बच्चे साथ में और
देखो, लेकिन जल्दी आऊंगा यार राफ्टिंग करने के लिए ना, अभी खुल गई, काफी दिनों बाद खुली है। पिछले साल जब मैं आया था जब बिल्कुल बंद कर रखी थी, वो गए लेके, अब ये वाले लेके जाएंगे। क्या क्या कह रहे हो? बोटिंग करना। बोटिंग करना है? बोटिंग नहीं, राफ्टिंग करते हैं यहाँ पे। बता, राफ्टिंग करनी है आपको ये? लेकिन आपको बुखार हो रखा है। तो वे पहले जब हम आए थे ना, यहाँ बिल्कुल ब्लू पानी था एकदम, और अभी ऐसा ही रेत का सा आ रहा है। तो भाई ये रेडी कर रहे हैं हवा भर के ना, जब फुल हो जाएगी फिर तब लेके चलेंगे। भाई यहाँ हाथी का गोबर पड़ा है, इसका मतलब हाथी आया था यहाँ। तो भाई गाड़ी में से ले आए हूँ चेयर, और अभी यहाँ आराम से बैठेंगे थोड़ी देर। और सामने नज़ारा ये है, क्यान के लिए मैंने मैगी बनवा दी है वैसे, और पानी ले आया हूँ, छतरी ले आया हूँ धूप के लिए, क्यान बचेगा धूप से। अभी एक गिर गई थी इसमें से, ये भाई मैगी ले आया है हमारे लिए, और चाय भी यहाँ पे रख दो भाई, इस चेयर पे रख दो आप। बढ़िया बना रखी है वैसे देखने में, तो बाकी पता चलेगा जब खाएंगे। अरे मिर्च कौन से में कम है? मिर्च, अरे यार मिर्च नहीं डालनी थी ना एक में, बोला तो था मिर्च तो नहीं है ना। ठीक है भाई, से मैंने मना कर रहा था कि मिर्च नहीं डालनी, लेकिन फिर भी डाल दी इसने बच्चे के लिए, देखियो। तो भाई अभी एक चेयर कम पड़ गई है, कह रहा मैं भी बैठूंगा, इसके लिए जगह नहीं अभी। तो भाई मैगी हमने खा ली अभी, और अभी हम जाएंगे वहाँ बिल्कुल पास में जाएंगे, मतलब अंदर नहीं घुसेंगे लेकिन उसके पास जाके वहाँ गंगा, ये गंगा जी है यहाँ, और दूर पहाड़ों से आ रही है उधर से। और अभी मैंने देखा वहाँ ना, देखो आपको नज़र आओगा वहाँ अलग ही पानी नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ थोड़ा ब्लू ब्लू सा पानी है वहाँ पे देखो, और बाकी इधर से थोड़ा गंदा सा है। तो वहाँ जाएंगे अभी, देखो है ना ब्लू अलग ही पानी है वहाँ, तो वहाँ जाएंगे अभी। ये है फूल चट्टी जगह, और जब आप गरुड़ चट्टी की तरफ जाओगे तो आपको फूल चट्टी नाम की ये जगह मिलेगी। और यहाँ पे ना राफ्टिंग वगैरह भी होती है, आप अगर ऋषिकेश से नहीं लेके आते हो, उनको बुक करके लेके नहीं आते हो, तो यहाँ आपको मिल जाएगी। सिर्फ 500 रुपये लेंगे पर पर्सन, और आप राफ्टिंग कर सकते हो आराम से। यहाँ देखो वो आंटी वहाँ पानी में घुस गई, और अलाउ नहीं है अभी, यहाँ कैमरे वगैरह भी लगे हुए कि वह अंदर नहीं जाना है पानी के अंदर, मतलब नॉर्मल बिना लाइफ जैकेट के जाना नहीं है अंदर, फिर भी लोग जा रहे हैं। ये देखो उधर आंटी अंदर जा रही है, देखो, और वो शायद उसको पकड़ के ला रहे हैं, वो आंटी आ नहीं रही है, वो उसी में बैठी है। एक क्यान को मिल गया खेल, यहाँ खेल रहा है भाई, मिट्टी में खेल रहा है यहाँ, नहीं पकड़े रखे इसे, उड़ जाएगी ये। तो भाई क्यान हो रखा है बीमार, इसके लिए छतरी भी ले आया मैं, और छतरी लेके आ रहा है। वो देखो राफ्टिंग कर रहे, वो देखो अकेला भी कर रहा है एक, तो ये गए भाई, लेकिन फुल इंजॉय कर रहे हैं। तो भाई क्यान पत्थर फेंक रहा है अभी, कह रहा है भाई पत्थर फेंकूंगा इसके अंदर, पत्थर फेंक रहा है, फेंको। तो भाई क्यान का तो मन लग गया है यहाँ, खेल रहा है अभी। तो भाई अभी हम यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं इन लोगों को जो ये राफ्टिंग कर रहे हैं। क्यान का भी बहुत ज़्यादा मन है कि करूँ करूँ करूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ उससे, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ इससे। अब पत्थर फेंक रहा है, कह रहा मैं इधर पत्थर फेंक देता हूँ। गया अंदर, गया क्यान गया। तो यहाँ देखो पानी बिल्कुल ऐसा, मतलब धुंधला धुंधला सा आ रखा है अभी, और ये लोग कर रहे हैं अभी राफ्टिंग, देखो। नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगा, 10-15 दिन या फिर एक महीने के अंदर तो आना है मुझे, राफ्टिंग जरूर करनी, एक बार भी नहीं करी मैंने। पिछली बार जब आया, जब यहाँ लॉकडाउन की वजह से था शायद, बंद कर रखा था, और अब की बार वैसे। छतरी गई हमारी, ज्ञान छतरी जाएगी ये। तो भाई अभी जा रहे हैं यहाँ से दूसरी जगह, जहाँ से साफ पानी आ रहा है वो। तो वह क्यान खोज कर रहे हैं यहाँ कुछ, अपनी दूरबीन ले ली इसने, और देख रहा है अभी ये क्या रहा, हमारी रुक नहीं रही है भाई। क्यान क्या देख रहा है, क्या दिख रहा है? तो भाई अभी आ गए हम यहाँ दूसरी तरफ,
जहाँ मैं कह रहा था ना वहाँ से कि पानी इस तरफ में साफ है, तो ये आ रही है ह्यूल नदी आ रही है ये इधर से, और वो माँ गंगा, और उसमें जाके पानी मिल रहा है। यहाँ से देखो कितना साफ है, वो थोड़ा धुंधला हो रखा है अभी तो उसकी वजह से क्लियर नहीं है। ये देखो कितना साफ, बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। ये अंकल जी अभी वहाँ से पानी से पानी भर के लाएंगे, मैगी या कुछ बना रहे होंगे तो उसके लिए। और ये देखो पानी, उधर लोग ना फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोई शायद प्री वेडिंग शूट हो रहा है उधर। 11 को लिटा दिया मैंने यहाँ मैट बिछा के और आराम से लिटी हुई है अभी, है ना 11, मजे आ रहे हैं ना, मजे आ रहे हैं भाई। अभी ये जो आंटी यहाँ पे है मैगी बना रही, ये कह रहे कि इनका जो घर है ना इधर है, इस रास्ते से आते हैं और ऐसे पानी क्रॉस करके और इधर आते हैं यहाँ दुकान पे, और इनका जो मेन घर का रास्ता है वो 20-22 किलोमीटर घूम के अगर ऐसे आते हैं तब यहाँ आएंगे, तो इसलिए शॉर्टकट ये यहाँ से आते हैं, ऐसे आते हैं फिर। और आंटी कह रही कि उनके ऊपर तक पेट तक पानी आ जाता है ना आते आते, कई बार ज़्यादा पानी होता है तब। ये देखो अभी 15-20 दिन पहले तो बहुत पानी था, अच्छा अब धीरे धीरे करके थोड़ा कम हो गया, जैसे कि हम तो आ भी नहीं पाते थे उस पानी में, तो मैं तो एक महीने में कल से आ रही हूँ। देखो तो आंटी देखो कितना स्ट्रगल करके आती है इधर से ना, पानी पूरा क्रॉस करके आती है यहाँ, और जब आके यहाँ दुकान खुलती है आंटी की। अगर आंटी यहाँ ना होता हम तो मैगी भी ना खा पावे, गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ। तो भाई अभी नीचे उतरते ही इसमें नीचे जाएंगे, देखता हूँ पानी कितना है कैसा है, मतलब अंदर ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, बिल्कुल साफ पानी है, बिल्कुल साफ। देखो मेरा मन था देवप्रयाग जाने का लेकिन वहां मैं गया नहीं, देखो बिल्कुल साफ पानी जैसा चाहिए होता है। बिल्कुल साफ पानी और इसे पी भी सकते हैं, बस एकदम। और इसका जो मिलन हो रहा है ना, जो पानी यहाँ मिल रहा है गंगा जी में, जो ये पानी मिल रहा है ये यहाँ देखो अलग ही दिखाई दे रहा है, जो ये पानी मिल रहा है यहाँ, ये इस नदी का पानी आ रहा है और उधर से गंगा जी का पानी आ रहा है, और एक जगह मिलके और फिर ये आगे जा रहा है। देखो बिल्कुल ही अलग नजारा है, बिल्कुल। ये देखो इधर से साफ, कितना साफ पानी है यार, वो बस धुंधला हो रखा है ये इधर, दोनों का कलर आप अलग देख सकते हो, ना कोई एडिटिंग ना कुछ, बिल्कुल साफ पानी है। देखो यही सेम चीज मैं देखने के लिए देवप्रयाग जाता है लेकिन वहाँ गया नहीं, और वहाँ का नज़ारा अलग है, और अभी मैं यहाँ आया हूँ तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे दिल खुश हो गया है यहाँ के। मैं आया था यहाँ आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 1-2 साल पहले आया था, मेरे एक फ्रेंड है रजनीश, तो उसकी सिस्टर की शादी थी तब मैं आया था यहाँ, तब ये घूम के आया था, ऑल्टो से आया था मैं, तब यहाँ पूरे में घूम के गया था लेकिन यहाँ नहीं आया था। और इसके बारे में बताता कि ये जो पानी है ये बढ़ता रहता है, तो अभी चलते हैं नीचे। वो क्या रहा वहां मस्ती कर रहा है, आ रहा हूं मैं ऊपर ही आ रहा हूं। ये वेट कर रहा है काफी देर से मेरा, अब मिट्टी में खेल रहा है, इसका मन लग रहा है यहां। घर चले बताओ, घर चले, गुस्सा हो रखा है ये। आंटी बता रही पहले ने यहाँ ये दुकान और ये 3-4 दुकानें थी, यहाँ हाथी आया था और हाथी तोड़ के चला गया, वो जो गोबर दिखा रहा था वो उसी हाथी का होगा फिर। ये देखो इधर कोई अपने ये औजार धोने लग रहे हैं भाई, अपनी कुल्हाड़ी उलाड़ी धो रहे हैं, अंकल पहना रहे हो सर। आंटी का घर पता किधर है, है? इधर है, और तू जिस दिन इधर उधर से ऐसे चली जाएगी दिल्ली पहुंच जाएगी, तो तेरे बस की पार करना भी ना, ये आंटी की रोज की मेहनत है। ज्ञान का दोस्त मिल गया, अब क्या खेल रहा है इसके साथ में, और काट लिया तो क्या नहीं, इसने नहीं काटेगा चला जा अपने साथ लेके जाएगा इसको, नहीं ये यहाँ पे रह जाएगा फिर, इनका है ना ये, पूछ भी नहीं क्या खा जाएगा, खा ले खा ले। ले कर ले खा ले। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा,
अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पे, क्या बैठ चुका है